हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ इस ब्लो ड्रायर का। ये ड्यूप है जो ओरिजिनल वाला है रेवलॉन का, उसकी प्राइस है जी 15,000 के करीब करीब। और जो ओरिजिनल वाला है ये आपको होलसेल प्राइस में 1500 तक का मिल जाता है। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ये आपको 2000 तक की रेंज में आराम से मिल जाता है। जहां से मुझे पीआर में आया था उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लें। अदरवाइज ये आपको आराम से दराज से भी मिल जाएगा। अगर हम प्राइस की बात करें तो ड्यूप की प्राइस है 2000 और जो ओरिजिनल वाला है उसकी प्राइस है जी 15,000 के करीब करीब। जाहिर सी बात है वो ओरिजिनल है, ये फेक है, तो क्वालिटी के अंदर डिफरेंस होगा। ये थोड़ा सा हल्का है लेकिन अभी मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊंगी। इसका जो फाइनल रिजल्ट है ना वो मुझे बिल्कुल ओरिजिनल वाले की तरह ही लगता है और मुझे नहीं लगता कि इसकी शेप में और इसके फाइनल रिजल्ट में कोई खास डिफरेंस है। कोई इक्का दुक्का डिफरेंस होगा लेकिन कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो 15,000 इन्वेस्ट करने की बजाय आप 2,000 आराम से इन्वेस्ट करके सेम वही वाली फील दे सकते हैं अपने बालों को। अभी जल्दी से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये दिखता कुछ इस तरह से है। ऊपर वाली साइड पे जिस तरह से ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं सेम वही है। यहां से इसके इसी वाले पोर्शन से वार्म एयर बाहर आती है। नीचे यहां पे इसका हैंडल है, काफी अच्छे से आप इसको पकड़ सकते हैं। यहां पे आपको 4 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। यहां पे लिखा है जी ऑफ, फिर लो का पॉइंट है, मिडल है, हाई है। इसको आप रोटेट करके यहां से हवा का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। ये लो है, मिडल है, हाई है। लो पे रखेंगे तो हवा का प्रेशर कम होगा, मिडल पे रखेंगे सेंटर में आ जाएगा, हाई पे रखेंगे जैसे आपको सूटेबल लगता है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरह से आप यहां से सेट कर सकते हैं। इसको रोटेट करके यहां से स्विच ऑन करेंगे तो यहां से ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी। इसको मैं इस साइड पे करूंगी तो यहां से ऑन होगा। स्टार्ट करने से पहले हमेशा आपने अपने बालों की पार्टीशंस कर लेनी। अगर आपके हैवी बाल हैं तो आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। मेरे को इतने खास हैवी बाल है नहीं तो मैं ये वाले 2 पोर्शंस में बालों को डिवाइड कर दूंगी, ऊपर वालों को और नीचे वालों को। इनको सेपरेटली हम लोग ब्लो ड्रायर इफेक्ट देंगे और ऊपर वालों को हम सेपरेटली देंगे। यहाँ पे मैंने बालों के 2 सेक्शंस कर लिए। आपके बालों के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, अगर आपके बालों का वॉल्यूम ज्यादा है तो आप 3 सेक्शंस कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ब्लो ड्राई करने से पहले हमेशा अपने बालों को अच्छे तरीके से ब्रश कर लेना है। करना आपने ऐसे है कि छोटा सा आपने बालों का सेगमेंट लेना है और आपने इसको ऑन करना है। इसको मैं ऑन नहीं कर रही, इसकी साउंड में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको आपने ऑन करके ऐसे करके बालों पर रखना है, बालों को ऊपर से रोटेट करना है इसके अराउंड और ऐसे आपने आहिस्ता आहिस्ता बालों को नीचे लेके आना है। इसको आपने रोल करते जाना है और बालों को आपने नीचे की तरफ को ड्रैग करते जाना है, ठीक है? अब मैं इसको ऑन करके स्टार्ट करती हूँ, ऐसे तो नहीं होंगे। बेसिक टेक्निक इसको यूज़ करने की ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने इसको बालों पर रखना है, आपने जिस डायरेक्शन में बालों को ब्लो ड्राई करना है उस डायरेक्शन में आपने इसको मूव करते जाना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे बाल आउटवर्ड मोशन में बेंड होना शुरू हो गए हैं। अभी आपको ये छोटा सा सेगमेंट है तो इतनी समझ नहीं आएगी, जब मैं आहिस्ते से सारे बालों को करूंगी तो ओवरऑल लुक बहुत अच्छी आती है। एक और चीज़, इसको यूज़ करने से पहले अपने बालों को हल्का सा वेट कर लें, ज़्यादा गीला नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा पानी का स्प्रे करना है। ऑल्सो इसको यूज़ करने से पहले हमेशा सीरम यूज़ कर लें। आप लेवॉन का सीरम यूज़ कर सकते हैं, आप लॉरियल का लीव इन कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है आपके बाल ज़्यादा फ्रिजी नहीं होते, क्योंकि हवा की वजह से आपके बाल फ्रिजी हो सकते हैं। तो हमेशा सीरम यूज़ करने के बाद ही आप इसको यूज़ करें, आपके बाल स्मूथ रहेंगे, फ्रिजी नहीं होंगे, उड़े उड़े नहीं लगेंगे आपके बाल। और हवा का प्रेशर आपने या तो लो पे रखना है या मिडल पे रखना है, आपका कंट्रोल ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे सारे के सारे बाल मैंने ऑलरेडी ब्लो ड्राई कर लिए हैं। फ्रंट वाले बालों को हम अलहदा से सेगमेंट बना के ब्लो ड्राई करेंगे। आप देख लें यहाँ पे मैंने वी फॉर्म में बाल लिए हैं और अब इनको मैं ऊपर की तरफ को करके बैकवर्ड मोशन में ब्लो ड्राई करूँगी। मैंने रिसेंटली अपने बालों की कटिंग की है तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अगर उस तरह की कटिंग के बाद आप ये वाला ब्लो ड्राई यूज़ करते हैं तो और भी अच्छा लुक आता है। आपके जो फ्रंट वाले बाल होंगे 2 लेयर्स हैं, 1 लेयर है उसको आपने इस तरह से सेपरेटली ब्लो ड्राई कर लेना है। पहले जो मेरी सेकेंड लेयर थी उसको मैंने ब्लो ड्राई किया और जो फ्रंट वाले अब बाल हैं सबसे छोटे वाले उसको अब मैं ब्लो ड्राई कर रही हूँ सेम उसी तरीके से। और ये रहा जी मेरे बालों का फाइनल लुक, बहुत ही फिट किस्म का इसका रिजल्ट है, आप क्लियरली देख सकते हैं। तो
तो ये है जी मेरे बालों का फाइनल लुक। इस साइड से भी आप देख लें कितना अच्छा सा मेरे बालों के अंदर बाउंस आ गया है, बाल बहुत ही शाइनी लग रहे हैं। और इस साइड से भी आप देख लें, मेरी तरफ से टोटली रिकमेंडेड है, अगर आपने ट्राई करना है तो ये वाला आप ले सकते हैं। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। मुआ।